क्या हुआ सब गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा टैंक सेटअप और मैं नया मछली लाया हूँ मॉन्स्टर फिश। सो वो आप लोगों को रिलीज़ करके दिखाऊंगा। एकदम बहुत ही मस्त और फेमस वाला मॉन्स्टर फिश है। अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जब मैं रिलीज़ करूँगा वो आप लोग देख लेना कि बहुत ही पॉपुलर है मॉन्स्टर फिश। कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आप लोग वो मॉन्स्टर फिश। ज़रूर आप लोग अगर मॉन्स्टर फिश के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि वो मॉन्स्टर फिश कौन है। और मेरे पास अभी 4 टैंक है, एक बाउल है और एक 2 फीट का टैंक है, एक 3 फीट का साइज से और 3 फीट बाई 2 फीट का टैंक है एक, और एक 3 फीट बाई 2 फीट का टैंक है। सो मैं आप लोगों को सब टैंक दिखाऊंगा और मॉन्स्टर फिश अब फिलहाल 3 फीट का टैंक में रखूंगा। फिर बाद में मैं पॉन्ड बनाऊंगा, वो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो उसमें फिर डालूंगा। फ़िलहाल तो मैं उसमें डालूंगा क्योंकि अभी तो वो मॉन्स्टर फिश अभी छोटा है। सो पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि नीचे वाला जो टैंक है वो आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर मैं ऊपर जाके आप लोगों को दो टैंक है वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा सेटअप मैंने किया है मॉन्स्टर फिश के लिए। सो पहले तो आप लोगों को नीचे वाला सेटअप आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा बना है। तो मिलते हैं आप लोग को नीचे वाले सेटअप में जाके। तो तब तक आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर से कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना जल्दी से भाई। अभी मैं आ गया हूँ, यो सो देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट एक्वेरियम। सो ये 2 फुट बाई 1 फुट है और ये है फायर ऑस्कर। सो देख सकते हो ये छोटा वाला है ऊपर में मेरे पास, बहुत 1 फुट का या 10-11 इंच का है। सो यहाँ पे देख सकते हो इस कैटफिश का, ये भी कैटफिश है मगर इसका नाम मैं नहीं जानता। और इसके अंदर है रेड टेल कैटफिश RTC जो है थोड़ा छोटा, 3 इंची है। मैं लाया था 1.5 इंची या 2 इंची लाया था, मेरे पास 15 दिन हुआ है। आप लोग देख सकते हो थोड़ा थोड़ा मुंडी दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छे से दिखाने का क्योंकि ये बहुत ही हाइडिंग में रहता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना इसलिए हाइडिंग में रहता है। जब इसका साइज 10-11 इंच या 1 फुट हो जाएगा सो ये हाइडिंग में नहीं रहता है, ये तब बहुत ही अच्छी तरीके से रहता है। सो अभी मैं आप लोगों को ये ऊपर से दिखाता हूँ ये घर जो है इसको उठा के। सो आप लोग देख सकते हो फिर से ये फिल्टर के अंदर चला गया। सो ये एकदम ही हाइडिंग, ये अच्छा लगता है इसको हाइडिंग, इसको अच्छा नहीं लगता कोई लाइट फाइट, एकदम ही अच्छा नहीं लगता अंधेरा जगह। कैटफिश को यूजुअली अंधेरा जगह ही बहुत अच्छा लगता है और शांत रहता है सुबह और रात में इसका। सो नाइट किंग होता है कैटफिश। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही छोटा कैटफिश है, RTC है, बहुत ही छोटा और बहुत ही ब्यूटीफुल RTC है, बहुत ही सुंदर। और मैं रहा था 1.5 इंच और अभी हो गया ये 3 इंच, तो बहुत ही फास्ट ग्रोथ लेता है। सो मैं अभी कवर जो है बंद कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा 5 वाला बाउल में क्या है मेरा, वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा 5 वाला बाउल में और उसके 5 वाला जो ड्रम है उसमें क्या है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइटर है। सो ये फाइटर मेरे पास आ गया है लगभग 1 महीना या 15 दिन ऐसा कुछ हुआ है, मुझे याद नहीं प्रॉपर। और गप्पीस भी है थोड़ा, क्योंकि और फाइटर और गप्पीस बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं, अटैक नहीं करते। और ये वाले डम में है मेरा। सो ऊपर वाले मेरे पास जो मॉन्स्टर फिश का बच्चा है सो उन लोगों के लिए खाना। सो ये सब तो खाना नहीं है, जो आप लोग को कलरिंग दिख रहा है, जो कार्प दिख रहा है आप लोगों को, वो खाना नहीं है, वो ऐसे ही मैं लाया था। और बाकी जो सब आप लोगों को दिखा वो सब कुछ खाना है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो जो लाइव फीडिंग होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लेते हैं और वो लोग बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं अगर आप लोग लाइव फीडिंग दोगे तो। अगर आप चाहो तो स्क्रीम भी देख सकते हो, चिकन लीवर भी दे सकते हो, चिकन हार्ट भी दे सकते हो, चिकन भी दे सकते हो, मगर चिकन वो थोड़ा मेरा पास जो मॉन्स्टर फिश है वो 1 फुट से कम है। सो इसलिए मैं लाइव फीडिंग करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ लेता है। सो मेरे पास एक सोवेल नोज भी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। सो ये सोवेल नोज मैं छोटा लाया था। सो यहाँ पर जो है मेन मेरा जो सरप्राइज़ था वो RTC बड़ा वाला RTC। सो ये 9 या 8-9 इंच का होगा। सो बहुत ही जाइंट है। सो ये मैं पानी में रखा हूँ ताकि टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाए। सो आप लोग देख सकते हो तो कितना सुंदर RTC। और नीचे है कॉपर और 2 है टाइगर सोवेलनोस और थोड़ा गोल्डन फिश है, विदाउट कलर गोल्डन फिश, ये सस्ते में मिल जाता है मार्केट में।
2-3 रुपए का आता है पीस। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा 3 नंबर वाला टैंक, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी फायर ऑस्कर है, मगर ये 8 या 9 इंच का है और अंदर में 2 कैटफिश है, 2-3 कैटफिश है। सो वो मैं ऐसे ही छोड़ के रखा हूँ, और इन कैटफिश का मैं नाम भूल गया, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। सो यहाँ पे देख सकते हो रेड चिली, ये पहले वहाँ पे था मगर वो वहाँ पे 2 ऑस्कर फाइट कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। सो ये अभी ये ठंड ऑस्कर ठंडे पानी में भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर छोटा जो ऑस्कर है वो गर्म पानी में ही रहता है, बड़ा ऑस्कर ठंडे पानी में भी रह सकता है। सो अभी आप लोग देख सकते हो अभी खोलने का वक्त आ गया है आरटीसी को। सो आरटीसी को अभी खोल लिया है, अभी इसको जाल में भरते हैं, क्योंकि इस पानी में बहुत गंदगी रहता है, इसलिए मैंने, और अगर ये डाल दूंगा तो मेरा पानी भी गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये आरटीसी ऐसे ही जाल से छोड़ा है, देख सकते हो। और इसका फिन जो है ना नुकीला रहता है, मैं जब लाने गया था तो 2 पैकेट इसने होल कर दिया था, मैं 3 या 4 पैकेट में भर के लाया हूँ। सो देख सकते हो कॉपर ऑस्कर क्या डेंजरस दिख रहा है उसके सामने, और आरटीसी भी नीचे वाला से तो बहुत ही ज़्यादा भरा है, नीचे वाला 3 इंच है, और कैसे देख सकते हो टाइगर सॉवेलनस कैसे उसके ऊपर आ गया है, बहुत ही मस्त लग रहा है। टाइगर सॉवेलनस तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रोथ ले रहा है, मैं लाया था बहुत ही छोटा। सो अभी शाम का वक्त हो गया है, और अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक और मॉन्स्टर फिश आ गया है, मैंने ऑर्डर दिया था, और सो देख सकते हो ये है एलिगेटर गार। सो ये बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर फिश है, सो ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही डेंजरस, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 6 या 7 इंच का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये मुझे 1300 रुपये में मिला। सो ये बहुत ही अच्छा है। सो अभी मैं इसको उठा के मैं टैंक में छोड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा लगता है, कैसे में कैसा दिखता है ये। सो अभी मैं इसको उठा लिया, अभी मैं टैंक में जाके इसको छोड़ता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। सो अभी इसको छोड़ते हैं। सो इसका दांत फंस गया है, इसका दांत जो है ना इसका जाल में फंस गया है। सो अभी इसको रिलीज़ करते हैं जल्दी से। सो अभी इसको ये रिलीज़ हो गया है, जो देख सकते हो ये थोड़ा लंबा है। सो एलिगेटर गार बहुत ही फेमस मॉन्स्टर फिश है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही डेंजरस है, एकदम क्रोकोडाइल की तरह दिखता है एलिगेटर, इसलिए इसका नाम है सच। सो यहाँ पे है आरटीसी, एक और आरटीसी मैंने ऑर्डर दिया था। सो ये आरटीसी थोड़ा बड़ा है, उससे 1-2 इंच बड़ा है। तो अभी आरटीसी को खोलते हैं, सो अभी आरटीसी को मैंने पकड़ लिया है, अभी इसको छोड़ते हैं आरटीसी को जल्दी से। सो आप लोग देख सकते हो आरटीसी कितना मस्त दिख रहा है, ये वाला आरटीसी का ना जो पेट है, पेट पूरा सफ़ेद है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही मस्त, ये वाला आरटीसी भी बहुत ही मस्त है, बहुत ही सुंदर है। ये वाला आरटीसी मुझे पड़ा 1200 या 1100 ऐसा कुछ समथिंग। सो दोनों ही मछलियाँ बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही खुश हूँ ये दोनों मछलियों से, और आप लोग देख सकते हो, और मैं अपडेट भी देता रहूँगा कि कितना इसका ग्रोथ लेता है ये सब मछलियाँ मॉन्स्टर फिश 1 महीने में 2 महीने में। सो मैं इस पोस्ट डालता रहूँगा, और आप लोग का अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए इतना ही, अगर और भी मॉन्स्टर फिशेज़ का वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। बाय।